गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऑनलाइन खसरा वितरण का लॉन्चिंग। प्रॉपर्टी कार्ड घरौनी का किया वितरण। कहा, अब कोई दबंग नहीं कर सकेगा किसी के जमीन पर कब्जा, सभी होंगे अपने जमीन के मालिक। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर मीडिया से हुए रूबरू। कहा, महाराजा सुहेलदेव के जन्मदिन के अवसर पर 16 फरवरी को बहराइच में भव्य महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वन्य जीव जंतु मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर का निरीक्षण। कहा, मार्च में मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन, चिड़ियाघर को जनता के लिए किया जाएगा समर्पित। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ बाल संरक्षण समिति की बैठक। कहा, बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर करें कार्य, बाल श्रमिकों को करें शिक्षित, शासन की योजनाओं का दिलाएं लाभ। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम के 15वें वित्त आयोग समिति की बैठक। स्वीकृत किए गए 10,24,00,000 का बजट। 65वें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर शुक्रवार को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आयोजित हुआ रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह। मुख्य अतिथि महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने रेल सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 105 रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया सम्मानित, दी बधाई। कहा, रेल कर्मियों के उत्कृष्ट कार्य से ही बढ़ा है रेलवे का सम्मान। जिला अस्पताल में एडीएम प्रशासन सीडीओ सहित फ्रंटलाइन वर्करों का हुआ टीकाकरण, लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष 42.4% ही हुआ वैक्सीनेशन। नहीं दिखा कर्मियों में वैक्सीनेशन के प्रति रुचि, सीडीओ ने की अपील। कहा, नंबर आने पर अवश्य लगवाएं टीका, पूरी तरह है सुरक्षित। प्रदेश के सह संगठन मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा के क्षेत्रीय समिति की बैठक। संगठन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। कहा, 19 फरवरी से 19 मार्च तक पंचायत चुनाव को लेकर 4 चरणों में चलेगा अभियान, बताई जाएगी सरकार की उपलब्धियां। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले मात्र 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,441। अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 63 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई शासन के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक। संचालित योजनाओं से हर बच्चों को लाभान्वित कराने के दिए निर्देश। और 22 जनवरी की रात्रि में काली मंदिर के पास दुकान में लगी आग को बुझाने में झुलसे फायर कर्मियों को महानगर की एक संस्था ने किया सम्मानित। कहा, बहादुर सिपाहियों के कारण ही बचा बड़ा हादसा।